cose o nella vita. E non sapere coia coia è curato me la punirà.
कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उनका भी सम्मान करें, इसलिए ये ट्रैक पूजा मुजरांकन मैम के लिए था। और नेक्स्ट गेस्ट इज आशा शुक्ला मैम। We have the most special guest of the night, Mr. Atul Tiwari sir, the manager of the Boys.
our very own Sachin. Yeah.
सरस्वती माता की क्यों आग में
तोरी तनया यदि मई गजेशनाय बालचंद्राय श्री गणेशाय होता है ऐसे आपके जवाब के अपने लिए होना चाहिए।
जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या था, क्या जवाब देंगे? इडली। यस यू आर राइट, इडली। लोग इस कैंप से ली आते हैं, ऐसे ही आपको जवाब देना तो सही जवाब देगा उसको 1,000 रुपए। रेडी है? ओके, नीचे उतरने के लिए और भी शहर करा जिस तरह से लीजिए होता है बताएं। यस यस, और भी शहर है। यस यस, महिला बताएं कोई भी मिली है? यस, आप बताएं। ले ली होती है 1,000 रुपये चल रहे हैं। अगर हमारे ये साफ बताएं मंत्री मोदी दिग्गोन जी बस कैंपस के पास पहुंच चुके हैं और हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और 1,000 रुपए के नोट आपके पीछे बांट देते हैं। किसी ने फोन आ रहा है।
बीच में खड़ा हो जाएगा तो क्या करूँगा भाई, मैं चार जन की जगह अकेला कवर कर रहे शरीर वैसे अरे तो जब भगवान का कर जा रहे ना इसकी वजह से पोस्टर डाल के चल वो तो कर रहा है बीच में टेंशन में चालू है रिकॉर्ड हाँ रिकॉर्डिंग चालू मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के दौरान प्लीज अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं सरस्वती की वंदना के दौरान खड़े हो जाएं पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं शत्रु बुद्धि विनाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें सेक्रेटरी ऑफ आर ट्रस्ट श्री रावत रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट सर्वप्रथम मैं श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों एवं अध्यापकगण आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ और हर्ष का है कि हमारे बीच यहाँ उपस्थित भी अपनी अपनी व्यस्तता
को छोड़कर हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखते हैं और इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। माननीय अतिथिगण, हमारे संस्थान में प्रतिवर्ष हम स्प्लैश बैनर के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में सभी छात्रों को पढ़ाई से हटकर अपनी अन्य प्रतिभाओं को दिखाने व निखारने का अवसर मिलता है और इसके बाद बच्चे फिर से तरोताजा होकर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी बच्चों ने अपने आप की है और इसमें हम लोगों का बहुत ही कम योगदान है। तो वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल आवर गेस्ट, थैंक्स अ लॉट टू देम। हमारे आज के मुख्य अतिथि ब्रजमोहन अग्रवाल जी का गुलदस्ते से स्वागत करें। मैं दीपक मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि किरणमयी नाल मैम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर किरणमयी नायल जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए। मैं मधुकर गौतम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर पुरंदर मिश्रा सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। मैं अतुल तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहां आए और आज के हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। प्रथम परम पूज्य महाराष्ट्र को सादर दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन परम आदरणीय छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मंत्री जी श्री ब्रज मोहन अग्रवाल जी, हमारे रायपुर शहर की महापौर श्रीमती किरणमयी नायक जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, आरआईटीएम के प्रिंसिपल, सिटीटेक के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, ये आज सौभाग्य का विषय है कि हम सबको न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के एक ऐसे नेतृत्व का आशीर्वाद मिल रहा है जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी प्रेरक मार्गदर्शन से निश्चित आप सबको भविष्य में नई दिशा मिलेगी। रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट का तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये अपने तीसरे वर्ष पर प्रवेश कर रहा है और पिछले 3 वर्षों से लगातार उन्नति के पथ पर है और उसका सबसे अनुकरणीय उदाहरण आज ये कार्यक्रम स्प्लैश जो कि हमारे बीच में छात्रों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं माननीय अतिथियों से क्षमा भी चाहूंगा, इस कार्यक्रम में पूर्णतः प्रबंधन छात्र छात्राओं का है। इसकी परिकल्पना, इसका निर्देशन, इसका प्रबंधन, इसका आयोजन सब कुछ छात्र छात्राओं ने किया है। इससे निश्चित तौर से बहुत सी गलतियां भी होंगी और इन गलतियों से वो सीखेंगे और उनमें नेतृत्व के गुण आएंगे। आने वाला युग चुनौती का युग है और इस चुनौती के युग में न सिर्फ हमें आगे बढ़ना है बल्कि ऊंचाइयों को छूना है। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आगे आने वाले समय में तकनीकी कौशल में, तकनीकी शिक्षा में, उद्योगों में भारत का नाम रोशन करेंगे। आज हमारे बीच में माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो कि बहुत व्यस्तम, लोकप्रिय और ओजस्वी नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदेश का, और श्रीमती किरणमयी नायक जी, पुरंदर मिश्रा जी ने बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। और हम आज
आशा करते हैं आगे भी हमें उनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश मिलता रहेगा। आप सभी को इस स्प्लैश की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बंदर मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ आए और हमें दो शब्दों के साथ संबोधित करें। रावपुरा सरकार की, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मे श्री गुरुवे नमः। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे रायपुर नगर निगम के प्रथम महिला महापौर किरणमयी नायक जी और रावपुरा सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी कर्मचारी पदाधिकारीगण प्रिंसिपल महोदय छात्र एवं छात्राएं उपस्थित स्नेहीजन और अतिथिगण प्रेस और प्रशासन के सभी बंधुवर आज हम सब लोगों को आशीर्वाद मिल रहे हैं। माननीय मंत्री जी किरणमयी जी हम लोग जब आए हैं तो महाराज जी का आशीर्वाद मिला है और उनके कॉलेज में उनके संस्था में जो भी लोग अध्यापन का काम करते हैं वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको रावपुरा कल्याण ट्रस्ट में दाखिला मिला है और अध्ययनरत हैं। आप लोग सब जानते होंगे महाराज श्री की कृपा के बिना कोई चीज संभव नहीं है। हम यहाँ कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से है। आप लोगों ने हमें बुलाया सम्मान दिया उसके हृदय से आभारी हैं। मैं छात्र छात्राओं को बड़े भाई होने के नाते एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। इतनी अच्छी संस्था में आप पढ़ रहे हैं, माता जी का पिताजी का धन अर्जन करने के बाद आपको जो यहाँ पर व्यय करते हैं खर्च करते हैं आपके पढ़ाई में उसको सफल बनाएं और सही नागरिक बने और हमारे रायपुर का छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें और हमारे रावपुरा सरकार कल्याण ट्रस्ट का भी नाम करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन को सफल करें, यही बात मुझे कहना है। धन्यवाद। आर आई टी एम और श्री टेक इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक और इवेंट को शानदार बनाने के लिए सभी छात्र छात्राओं की जो टीम इसमें लगी है सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम जाते हैं पर स्टूडेंट का रोल केवल स्टेज तक से रहता है पर आज यहाँ जानकर बहुत अच्छा लगा कि इसका पूरा मैनेजमेंट आप लोगों के हाथ में। इसलिए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं चाहूँगी कि एक बार पानी आप लोग अपने लिए निकाल रहे और वो मुझे कल ही लग गया था पता जब मेरे पास प्रोग्राम के लिए कल शाम को आए। मैंने कहा आज कार्यक्रम में आप कल तुरंत मुझे पूछ रहे हैं नहीं आ पाए तो आप आ जाएंगे मैडम तक के तो मुझे उसी समय लगा था कि जरूर ये सब स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने भी हाँ कही और आज बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके बीच में हूँ और इस स्प्लैश के शानदार आयोजककर्तागण सभी छात्रों को और उनके पीछे पर्दे के पीछे खड़े सभी टीचर्स को आपके प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएँ देती हूँ और आज इस कार्यक्रम के मंच पर हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मंत्री आदरणीय ब्रिजमोहन भी है आदरणीय पुरंदर भी है और सम्मानित प्राचार्यगण और सभी प्यारे छात्र छात्राओं। वास्तव में आपका कॉलेज हमारा रायपुर से बहुत दूर है यदि मुझे लेने गाड़ी नहीं आ पाती तो पता नहीं मैं यहाँ पहुँचती कि नहीं टाइम पर। थैंक्स करती हूँ कि मुझे रास्ता भी बताया और मैं यहाँ पहुँच पाई और मैं देख रही हूँ कि आप लोग तो मुझे देख पा रहे हैं पर मैं शायद आप लोग को देख भी नहीं पा रही यहाँ से। लाइट्स के फोकस ऐसे हैं कि आप लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है और जब तक चेहरा नहीं दिखता तो क्योंकि पब्लिकली तो
मालूम नहीं कर सकते, पर एक आध विसिल मैं भी मांगूंगी किसी से, विसिल बजाना नहीं आता मुझे, पर जरूर किसी से मांगूंगी और कोई एक परफॉर्मेंस भी जरूर करूंगी, क्योंकि वहाँ लाइट तो जाएगी नहीं, कोई नहीं देख सकता, ना कोई मेरी फोटो खींच पाएगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि मेयर ने भी उठ देंगी। कॉलेज में आकर के कॉलेज का आनंद लेने का अलग ही अंदाज होता है और हम लोग को भी अपने कॉलेज लाइफ पूरी याद आ जाती है, वरना हम लोग भी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल पक चुके होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन वास्तव में हमारे लिए भी इंजॉयमेंट का दिन है और हम भी आप लोगों के बीच आकर के फिर से एक बार बच्चे बनने की कोशिश करेंगे। ये समय वास्तव में बाद में बहुत अखरता है, पहले सोचते हैं कि कब बड़े हो जाएं और जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि काश ये बचपन लौट के आ जाए, वो जवानी लौट के आ जाए, वो कॉलेज के दिन लौट के आ जाए। आज मैं आप लोगों से और उससे अलावा हटके कोई बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वापस फ्लैशबैक में जा रहे हैं, इस फ्लैश का टाइम है और हम लोग फ्लैशबैक में जाते जा रहे हैं, ज़्यादा दे रहेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, फिर हमको बहुत सारी पुरानी 20-25 साल पुरानी स्टोरीज बतानी पड़ेगी कि हम लोग की कैसे रैगिंग होती थी और हम लोग कैसे रैगिंग लेते थे, और आजकल ये चलन भी बंद हो गया है, कानून बन गए हैं और आप लोग सब इंजीनियर्स बनने वाले हैं, 3 साल के कुछ सेकेंड ईयर के, कुछ फर्स्ट ईयर के होंगे, नए नए आप स्कूल से कॉलेज में आए हैं और आपके हाथों में हमारे छत्तीसगढ़ का, देश का भविष्य है। आप हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को और हमारे राष्ट्र को संवारने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पर हर कोई पढ़ लेता है, पर ये किस्मत वालों को मिलता है कि जहाँ पर एक आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद हो। ऐसे रावतपुरा सरकार जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जय छत्तीसगढ़। भारत माता की। रावतपुरा सरकार की। मैं रावतपुरा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेयर श्रीमती किरणमयी नायक जी, हमारे साथी भाई पुरिंदर मिश्रा जी, रावतपुरा कल्याण ट्रस्ट के तिवारी जी, गौतम जी, मिश्रा जी, यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टूडेंट्स, आप लोग भाषण सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते, ये तो किरणमयी नायक जी ने बताया, पर आपको शायद एक बात मालूम नहीं है कि अगर किसी नेता को आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं, उसके सामने माइक रहे और उसको बोलने नहीं मिले तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और इसलिए आप लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी आपके गेस्ट की तबीयत खराब हो। मैं आप सबको आज आपकी कॉलेज की हैट्रिक है कि 3 साल पूरे हो गए, आज आप फाउंडेशन डे मना रहे हैं, आज आप टीचर्स डे मना रहे हैं, आज आप इंजीनियरिंग डे मना रहे हैं, इसके लिए तीनों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, हमारे माता पिता की हमसे बहुत उम्मीद है, वो सोचते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, घर का परिवार का नाम रोशन करेगा, शहर का नाम रोशन करेगा, इंस्टीट्यूट सोचता है कि इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेगा। हमको इस बात की कि हमारे किसी भी यूथ में, किसी भी नौजवान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, उसको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर बैठा हुआ एक एक नौजवान वो जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है और जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। किसी कवि ने कहा है कि वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। अगर आप साहस से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको विजय सिर्फ प्राप्त होगी।
मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट रहा हूं, मैंने स्टूडेंट लीडरशिप की है, आपके जैसे हम लोगों ने हंगामा और मस्ती भी की है, और हमें मालूम है कि बच्चों को साल भर अपने एनुअल डे का इंतजार होता है कि किस दिन हमको हंगामा करने का अवसर मिलेगा, किस दिन हमको मस्ती करने का अवसर मिलेगा। परंतु जोश के साथ साथ हमको होश रखने की आवश्यकता है कि अगर हम अब जवान हो गए हैं तो जवान होने के बाद हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, आपके माता पिता भी आपके करियर के बारे में सोचते हैं, परंतु हमको इस बात की कि क्या हमारे माता पिता की जो उम्मीदें हैं उसको क्या हम पूरा कर पा रहे हैं। आप लोग इंजीनियरिंग कोर्स में हैं, मेरे पास बहुत से बुजुर्ग माता पिता आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा बेंगलोर में कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके बाद उसकी नौकरी लग गई। मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा था, अब उसकी नौकरी वहीं लग गई, अब वो मेरे पास नहीं आना चाहता, वो कहता है कि मैं वहीं रहूंगा, आपको आना तो आप मेरे पास आ जाइए। और जिस समय माता पिता के साथ ऐसा गुजरता है उस समय माता पिता की क्या स्थिति होती है। और यही रावतपुरा आप सरकार के कॉलेज में है, मैं चाहूंगा कि आपको संस्कार मिले, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, जिन माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए कर्जा लिया है, अपनी जमीन बेची है, अपने गहने बेचे हैं, जिन माता पिता ने आपके लिए सपने देखे हैं, उनके सपने कभी नहीं टूटे, इस बात का आपको संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में आपको लगता है कि हम मेरिट में आ गए, हमको 25 लाख का पैकेज मिल गया, 50 लाख का पैकेज मिल गया, हम बहुत सफल हो गए, परंतु जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तब प्रॉब्लम्स हमसे सुलझते नहीं हैं। सुलझाने वाले अगर कोई होते हैं तो घर के बुजुर्ग होते हैं और माता पिता होते हैं, जो हर मर्ज की दवा होते हैं हमारी तकलीफों में, मरहम लगाते हैं और हमको बताते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और इसलिए कभी भी हमको अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, इनका सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। आप पढ़ लिख के विद्वान हो सकते हैं, परंतु जीवन जीने की कला अगर आपको कोई सिखा सकता है तो आपका परिवार का बुजुर्ग और आपके माता पिता ही सिखा सकते हैं, और उन्होंने ही आपको इस लायक बनाया है। नहीं तो बहुत बार अच्छे पदों पर पहुंचने के बाद हमको अहम हो जाता है कि जो कुछ हूं मैं अपने दम पर हूं, पर जब परेशानियां आती हैं तब हमको कोई रास्ता नहीं सूझता है। मैं तो चाहूंगा कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, हायर एजुकेशन प्राप्त करें, परंतु अपने संस्कारों को नहीं भूलें, अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, अपने देश को नहीं भूलें, अपने समाज को नहीं भूलें। आज हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, उन टेररिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाला हमारे देश का यूथ होता है। आखिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे देश के जागरण के केंद्र नहीं बन सकते? हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है क्या वो अध्यात्म के केंद्र नहीं बन सकते? एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो क्या नेशनलिटी पैदा करने के केंद्र नहीं बन सकते? मुझे इस बात की उम्मीद है कि श्रद्धेय रावतपुरा सरकार जी के नेतृत्व में इस इंस्टीट्यूट में आप उच्च शिक्षा तो देते हैं परंतु साथ में संस्कार और अध्यात्म की भी शिक्षा देकर लोगों के जीवन में कैसे वो सुखी जी सकते हैं, इस दिशा में आप काम करेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग कोई भाषण सुनने के, उपदेश सुनने के मूड में नहीं है, परंतु मैंने जैसा कहा कि अगर यूथ के बीच में आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और किसी कवि ने कहा है कि युवा तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू बड़ा महान है। और तुम में ये ताकत है कि तुम दुनिया के हर काम को कर सकते हो। मैं आज आपके एनुअल डे पर, आपके फाउंडेशन डे पर, आपके शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में, आपके इंजीनियर्स डे के कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अतुल तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का एक स्मृति चिन्ह के तौर पे हमारी तरफ से छोटा सा उपहार से
मैं दीपक मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्मृति चिन्ह देकर हमारी मैम किरणमयी नायर मैम का सम्मान करें। अब मैं मधुकर गौतम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आज के अतिथि पुरंदर मिश्रा सर जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। गणों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत 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 अच्छा लगा। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे समस्त मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि अब आप हमारे कार्यक्रम को एंजॉय करें और हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं।
Oh,